हेलो एवरीवन वेलकम ओ वेलकम बैक इफ यू आर नी इंग प्लीज टेक अ मोमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इट विल रियली मींस अलॉट टू मी गाइज आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ट्रायो फ्रॉम द ब्रांड मे एंड इसमें जो रेंज है दैट इज फिट मी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फाउंडेशन कंसीलर एंड कॉम्पैक्ट पाउडर इन तीनों की रेंज में क्योंकि मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि अगर फाउंडेशन का शेड है वॉर्म न्यूड हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट उसके साथ कौन सा कंसीलर और कौन सा कॉम्पैक्ट पाउडर है जो हम यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं अपना जो मैं प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ उनके स्वाचेज एंड रिव्यूज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सी अंडर टून है कैसे ये प्रोडक्ट्स वर्क करते हैं आपस में सो so, अगर आप देखना चाहते हैं इन प्रोडक्ट्स के रिव्यूज तो बने रही वीडियो के लास्ट तक नाउ विदाउट फर्दर डो लेट्स गेट स्टार्टेड सो so, सबसे पहला जो प्रोडक्ट है दैट इज दिस फाउंडेशन फाउंडेशन का शेड है हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट अगर आपको इसका फुल फ्लेज रिव्यू देखना है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है आप इसको जाके वहां से देख सकते हैं मैं आपको सजेस्ट करूंगी गाइज आप इस इन प्रोडक्ट्स में से किसी को भी अगर आप बाय करना चाहते हैं आप मिंत्रा से बाय कीजिए बहुत अच्छी डील्स एंड डिस्काउंट चलती हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है ओनली ऑन on मिंत्रा या so, yeah. अब अगर इसके बारे में मैं बात करूँ फाउंडेशन के बारे में सो so इसका जो अंडरटोन है दैट इज येलो अंडरटोन सो अगर आप मीडियम टू फेयर स्किन टाइप है तो डेफिनेटली इस शेड के लिए इस रेंज में जा सकते हैं आप देख सकते हैं दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड ये प्रोडक्ट बहुत ही सीमलेसली ब्लेंड होता है ये मीडियम टू फुल कवरेज प्रोडक्ट है एंड दिस लुक्स रियली रियली नाइस ऑन इंडियन स्किन टोन्स सो दिस इज माई फर्स्ट रिकमेंडेशन सेकेंड मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं इस फाउंडेशन uh, के साथ कौन सा कंसीलर यूज करती हूँ एज अ हाईलाइटिंग पर्पज सो ये है शेड नंबर ट्वेंटी एंड शेड नेम इज सैंड। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक और ये जो कलर है ये थोड़ा सा एज कंपेयर टू फाउंडेशन थोड़ा सा हल्का सा यू uh, नो you know, और लाइट है जिसकी वजह से मैं इसको अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं इस कलर को यूज करती हूँ एंड दिस इज अगेन अ फुल कवरेज कंसीलर इसको आप डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं नेक्स्ट थर्ड इज दिस कॉम्पैक्ट पाउडर गाइस यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको अपना फेस सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर चाहिए तो आप इस शेड के लिए जा सकते हैं विच इज़ इन शेड वॉर्म न्यूड एंड अगर आपको अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर चाहिए तो आप इसमें शेड में जा सकते हैं आइवरी सो यहां पे जो मैं शेड यूज कर रही हूँ दैट इज न्यूड इसकी भी जो अंडरटोन है वो येलो है थोड़ा सा ऑरेंजिश अंडरटोन uh, है इसका ये मेरे मेकअप को बहुत ही अच्छे से सेट से कर देता है फाउंडेशन को स्मज होने से बचाता है कंसीलर को सेट कर सकते हैं आप इससे बहुत ही अच्छी तरह से मेरे फेस को एकदम से ऑयल फ्री कर देता है ये एंड टचअप्स के लिए ये कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत ही अच्छा है सो दिस इज हाउ ऑल द थ्री प्रोडक्ट लुक्स ऑन माई स्किन टाइप सो आई कैन हाईली हाईलाइट रिकमेंड दीज ऑल थ्री प्रोडक्ट्स टू ऑल ऑफ यू गाइज अगर आप मेरी स्किन टोन से रिजेंबल करते हैं तो डेफिनेटली ट्राइव के लिए जा सकते हैं सो याराइज देट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड द रिव्यूज ऑफ ऑल ऑल थ्री प्रोडक्ट्स आई रियली इट। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइक दिस वीडियो एंड आल्स यू गाइज इक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय बाय